हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए है जो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 8वीं की परीक्षा पास किए हुए हों, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी है, वॉचमैन के पदों पर भर्ती चल रही है FCI में, और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ, आपको कैसे अप्लाई करना है, आयु सीमा क्या चाहिए, आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवेदन शुल्क क्या है, ठीक है दोस्तों? ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। इसके लिए जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 8वीं की परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए, और ये पद वॉचमैन के लिए निकले हुए हैं। इसमें जो वर्गों के आधार पर जो पदों का वर्गीकरण है वो लगभग लगभग इस तरह से है, सामान्य के लिए 141, SC के लिए 48, ST के लिए 36, OBC के लिए 56 और दिव्यांग के लिए 8। दोस्तों, इसमें दिव्यांगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, दिव्यांग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब ये आयु सीमा क्या है इसमें? इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे आरक्षित वर्ग हैं तो आरक्षित वर्ग के अनुसार छूट का भी इसमें प्रावधान है, नियमानुसार इसमें छूट दी जा रही है। वेतनमान इसमें लगभग आपको 8,100 रुपये से 18,070 रुपये के लगभग में होगा। उसके लिए आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसलिए आप एक बार नोटिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा। आवेदन शुल्क इसमें 300 रुपये है और भुगतान आपको 300 रुपये का ऑनलाइन माध्यम से करना है। चयन प्रक्रिया के लिए इसमें जो लिखित परीक्षा आपसे ली जाएगी और इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुछ छोटे लेवल पे, जैसे दौड़ हो गया, पुशअप हो गए, सिटअप्स हो गए, इस तरह की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। और दोस्तों, इसमें जो चयन का प्रक्रिया का माध्यम यही है कि आपको लिखित परीक्षा देनी है पहले, उसके बाद में आपको एक शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी है, और उसमें जो एक मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो जो लोग टॉप पे आएंगे उन लोगों को ले लिया जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए आपको ना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको वहाँ पर अप्लाई करना है, और ये पद FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के राजस्थान में निकले हुए हैं। इसके लिए आपको विभाग की वेबसाइट मैं वीडियो में लिख देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकती है, मिल जाएगी, www.FCIREGIONALJOBS.COM। मैं एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, www.FCIRegionalJobs.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अप्लाई करने से पहले कृपया नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा और जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी योग्यताएं उसमें लिखी हुई हैं, अपनी योग्यताओं से मैच कीजिएगा और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? सरकारी नौकरी के और वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप सारे वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और आपके मन में एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, नौकरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मेरे चैनल पर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको वो जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर
कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे वो टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा जिस पर मैं आपको पूरी जानकारी के साथ में वीडियो बनाकर भेज दूंगा और आपकी जानकारी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ ऐसे ही सरकारी नौकरियों के और जानकारी के नए वीडियोज़ के साथ में। आपका ये होस्ट एंड दोस्त